कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है आपको तीखी मिर्चों का अचार। हेलो एवरीवन, आज मैं ट्राई कर रही हूँ मिर्चों का अचार। मैं बाहर से बड़े ब्रांड का अचार तो ले आई, लेकिन उनकी मिर्चों की हालत देख के मेरा दिल बहुत ख़राब हो रहा है। तो वो भी मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। आज मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ मिर्चों का अचार, घर में साफ़ सुथरा अपने हाथों का बना हुआ पिसा हुआ मसाला डाल के। तो देखते हैं कि कैसे बनता है और इसका टेस्ट कैसे निकल के आता है। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो शुरू करते हैं। आज मुझे मार्केट से मिली है ये तीखी हरी मिर्चें। ये काफ़ी तीखी होती है, इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और कपड़े के ऊपर डाल के इसको मैं अच्छी तरह से सुखा रही हूँ। फिर भी मैं इसे कुछ देर के लिए रख दूँगी ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। उसके बाद आपने इसके डंठल इस तरह से सेपरेट कर लेने हैं और बीच में से एक चीरा लगा देना है। धोने के बाद मिर्चों को आपने बहुत अच्छे से सुखा लेना है, नहीं तो आपका अचार ख़राब हो सकता है अगर उसमें पानी या नमी रहती है तो। मिर्चों को धो के सुखा के साफ़ करके हमने अलग से रख देना है। अभी हम इसके मसाले तवे पर भून लेंगे। मसालों में इसमें डलेगा रायदाना, कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना, ज़ीरा, कुछ धनिया, नमक। इसमें हम लाल मिर्चें नहीं डालेंगे क्योंकि हरी मिर्चें पहले से ही काफ़ी तीखी है, तो हम इसमें और मिर्चें नहीं डालेंगे। इन सब को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ज़रा सी में से खुशबू आने लगे तो आप इसको ठंडा होने के लिए रख दें। ये मसाले आप अच्छी तरह से देख लें कि क्या क्या डलता है इसमें। इन ड्राई मसालों को आप भून लें। बाद में हम डालेंगे नमक और हल्दी। आप अपने देश और मुल्क से बाहर रहते हैं तो आप ये मसाले का पैकेट कहीं भी किसी भी एशियन दुकान से ले सकते हैं। ये 100 ग्राम का है और इसमें सभी मसाले हैं जो आप अचार में इस्तेमाल करते हैं। 300 ग्राम के मिर्चों में 100 ग्राम का ये पैकेट मैं यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से मैंने सबको भून लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ कोरिएंडर सीड और धनिया, खुश्क धनिया। खुश्क धनिए को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे, इतना काफ़ी रहेगा। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया डाला हुआ है, इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। मसाले मैंने रोस्ट करके रखे हैं, अब इसको हम ठंडा होने देंगे। इसके ठंडा होने के बाद आपने इसको दरदरा कूट लेना है। अगर आप नहीं कूट सकते हैं तो आप ग्राइंडर मिक्सी में भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। इन्हीं मसालों में से मैंने थोड़ा सा राई दाना और कलौंजी निकाल लिया है अलग से, जो मैं अचार के ऊपर डालूंगी, जो देखने में अच्छे लगेंगे। मिर्चों को सुखा के इस तरह से बीच में से मैंने चीरा लगा लिया है। मिर्चें काफ़ी बारीक हैं, सिर्फ बीच में से ही हम चीरा लगा लेंगे। मसाले मैंने पीस लिए हैं। मिर्चें काफ़ी तीखी हैं, काटते हुए भी आप ग्लव्स का ही इस्तेमाल करें। इन सबको हम एक सूखे हुए पैन में डाल देंगे। आप मेक श्योर कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, नमी बिल्कुल भी ना हो, नहीं तो हमारा अचार ख़राब हो सकता है। सारी बीच में से कटी हुई मिर्चें साफ पैन में डाल दें। इस तरह से आपने बीच में से मिर्चें काट देनी है। अब इसमें हम
मसाले डाल देंगे। इसमें से पहले जाएगा सारे कुटे मसाले, एक खाने का चम्मच नमक, नमक इसमें ज़्यादा जाएगा ताकि आपका अचार ख़राब ना हो, एक खाने का चम्मच हल्दी, एक खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा, इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि मसाला मिर्चों के अंदर तक जाए। ऊपर से हम डालेंगे थोड़ी सी राई, और मसालों में मिक्स हुआ कलौंजी, कुटे मसालों में मैंने रखा हुआ था थोड़ी सी साबुत राई और कलौंजी। यहाँ पे हमने सरसों का तेल गरम होने के लिए रखा हुआ है ताकि उसकी हीक निकले। गरम सरसों के तेल में हम थोड़ा सा जीरे को छटका देंगे। 300 ग्राम हरी मिर्चों में 300 ml सरसों का तेल जाएगा, और ये गर्मा गर्म सरसों का तेल हम मिर्चों के मसाले पे ऊपर इस तरह से डाल देंगे। अब मिर्च और मसालों को अच्छी तरह से आप हिला दें। आप चाहें तो सरसों का तेल इससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं, जितनी आपकी मिर्चें सरसों के तेल में डूबी रहेंगी तो उतना ही अच्छा रहेगा। आपका चम्मच आप जब भी यूज़ करें इसको बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसके ऊपर, नहीं तो आपका अचार ख़राब हो सकता है। इसे किसी भी शीशे के बर्तन में आप निकाल लें, और आपने दिन में दो मर्तबा इसको इस तरह से हिला देना है ताकि ऊपर से नीचे तक इसके मसाले मिक्स होते रहे, इसका मसाला अंदर तक रहे और आपकी मिर्चें ख़राब ना हो। इसे आप बाहर रखिए इसी तरह से, 5-10 दिनों में आपका अचार बिल्कुल तैयार हो जाएगा। घर का बना हुआ अचार, इसे बने हुए 5 दिन हुए हैं, इसे बाहर रखे हर दिन मैंने इसको चमचे की मदद से हिलाया हुआ था ताकि ये ख़राब ना हो। इस पे आप नींबू का रस निचोड़ कर भी खा सकते हैं जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। और जनाब ये है बड़े ब्रांड का अचार, जिसे लाए तो बड़े शौक से थे लेकिन खाया बिल्कुल भी नहीं गया। ऐसा लग रहा है कि मिर्चों की लाशें पड़ी हुई हैं जो एकदम ख़राब हो चुकी हैं। इस पर नींबू निचोड़िए और मज़े से खाइए। चलिए हम एक ही निकाल लेते हैं अभी। आपका अचार तैयार है। इसमें आप निचोड़िए नींबू का रस, मिर्चें काफ़ी तीखी हैं तो एक ही आपको काफ़ी रहेगा। मिलाइए नींबू के रस के साथ। इसमें नींबू का रस सिर्फ खाते समय ही रखा हुआ है मैंने, आप जितना निकाल रहे हैं जितना आपके इस्तेमाल में आ रहा है उसी में आप नींबू निचोड़ लें, और बाकी का अचार जो 5-6 दिन हो गए हैं इसे हम इसे शीशे के जार में डालकर फ्रिज में रख लेंगे जो 1-2 महीने आराम से चल जाएंगे। आपको कैसा लगा हमारे मिर्चों का अचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।